वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। यूपी विधान परिषद पहुंचे मेरठ के प्रमुख शिक्षाविद धर्मेंद्र भारद्वाज ने बेहद जोशीले अंदाज में धमाकेदार स्पीच दी। बेहद कम उम्र में सफलता के पायदान चढ़ते जा रहे धर्मेंद्र भारद्वाज ने कहा कि कुछ समय पूर्व जब यूपी में उद्योगपति आने से कतराते थे, उनमें लच्चर कानून व्यवस्था को लेकर भय का माहौल था। आज योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश बनाकर उद्योगपति के लिए सारे रास्ते खोल दिए हैं। इसका सीधा लाभ प्रदेश के उन युवाओं को मिलेगा जो रोजगार की तलाश में हैं। माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ के इस कथन के बाद बदमाशों में खलबली मच गई है। ये लोग अब प्रदेश छोड़कर इधर उधर जान बचाते घूम रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हुआ है, जो प्रदेश के विकास की प्रथम सीढ़ी है। देखिए, माननीय सभापति महोदय, आपने 2023-24 के बजट पर बोलने का मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। आदरणीय सदन को प्रणाम करता हूँ और मैं इस सम्मानित सदन का सदस्य होने के नाते इस अभूतपूर्व बजट का गवाह बना, इसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। यह संकल्पों की उड़ान का बजट है। यह उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश और उत्तम प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने वाला बजट है। यह सभी वर्गों को समान अवसर देने वाला बजट है। इस सर्वस्पर्शी बजट के लिए मैं माननीय योगी जी और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी और सभी वरिष्ठ मंत्रियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। 6,90,000 करोड़ का बजट प्रदेश की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की गाथा लिखता है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हाईवे और एक्सप्रेसवे के किनारों पर उद्योगिक गलियारा बनने से हमारे प्रदेश का दुनिया के कई देशों से ज्यादा संपन्न होगा। 6 वर्ष पहले जब माननीय आदरणीय परम पूजनीय योगी जी ने इस प्रदेश की कमान संभाली तो इस प्रदेश के अंदर कोई भी निवेश करने के लिए तैयार नहीं था। उद्योगपति उत्तर प्रदेश की तरफ जाना नहीं चाहते थे, उत्तर प्रदेश में आना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहाँ की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई थी और उस कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए माननीय परम पूजनीय योगी जी ने जो 6 वर्षों में काम किया वो आज आपके सामने है। उन्होंने इन 6 वर्षों में या तो माफियाओं को इस देश से या प्रदेश से बाहर कर दिया या मिट्टी में मिलाने का काम किया। अभी माननीय योगी जी ने कहा था कि जो भी माफिया गुंडा बदमाश इस राज्य में होगा उसे हम मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे और वो काम इन 6 वर्षों में हुआ। वो माननीय योगी जी ने इस पूरे प्रदेश को आज जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से दिया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और माननीय योगी जी ने प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया, हवाई उड़ान को एक नई ऊंचाई दी, 21 एयरपोर्ट हमारे इस प्रदेश में होने जा रहे हैं जो क्रियाशील होंगे, जिसमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हमारे सड़कों के जाल में हमारे मेरठ से प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस वे देने का काम किया, जिसमें लगभग 5 से 5.5 घंटे में मेरठ से आकर संगम में स्नान कर सकेंगे। भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है जो हम प्रदेशवासियों के लिए परम पुण्य है। मैं सदस्यों से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के बारे में सोचे, अपने बारे में ना सोचे, इस प्रदेश के बारे में सोचे, हिंदुस्तान के बारे में सोचे। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, किसान सभी के क्षेत्रों के लिए भरपूर प्राविधान किया है। मैं आनंदित हूं कि मैं इस प्रदेश का वासी हूं। मेरा हर पल प्रदेश को अपने राष्ट्र को समर्पित है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने
एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।